व्यक्ति के मन में अनेक विषयों पर स्वीकार भाव रहते हैं और अनेक पर अस्वीकार भाव रहते हैं। कुछ विषयों में हाँ और कुछ विषयों में ना होता है। इस हाँ और ना के विषयों को जीने के साथ हमें यह विवेक भी रखना होता है कि कब इनमें दृढ़ और कब इनमें लचीलापन रखें। बात सिद्धांतों के लचीलेपन की नहीं, नियम प्रत्याख्यानों में दृढ़ता ही उचित है। विषय यदि सिद्धांत और प्रतिज्ञा की न हो तो हमारे हाँ व ना से चिपके रहने से क्लेश बढ़ता हो वहाँ पर लचीलापन होना चाहिए। घर में नाश्ते में पोहे आपको नहीं पसंद, मना कर दिया नहीं खाएंगे, उस विषय में क्लेश यदि हो तो उस समय ना का चिपकाव छोड़ दें। कोई विषय चल रहा है, कोई चर्चा चल रही है और सभी लोगों के साथ में आप हाँ और ना के पक्ष में बात कर रहे हैं और सभी का पक्ष ना और कुछ ही लोगों का पक्ष हाँ में है, तो अपना पक्ष ना में बदलने के लिए किसी प्रकार का चिपकाव न रखें। आपके माता पिता, जीवन साथी को आपका हाँ या ना यदि परेशान कर रहा हो तो अपने आप से ये तीन प्रश्न पूछें। मेरा हाँ या ना को बदलने से किसी का नुकसान होगा अथवा दुख होगा? मेरा हाँ या ना को बदलने से जीवन के मूल्य कम होंगे? तीसरा, आपकी कोई कल्याणकारी प्रतिज्ञा भंग होगी, ये आत्मा का कर्म बंद होगा क्या? अगर तीनों के उत्तर नहीं तो अपने उत्तर से चिपकाव न रखें, किसी अच्छे पथ पर चल रहे हैं और आपके समीपवर्ती वर्तमान में चलने पर सक्षम नहीं है तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें समझकर समझाएं, बदलने का समय दें, उनको साथ लेकर आगे बढ़ें। बहुत समझा लिया और धैर्य से इंतजार भी कर लिया, साथ लेकर चलने का नम्र प्रयास भी किया और परिणाम नहीं आया। आप शांत रहें, वे उनके कल्याण की भावना भाते रहें, अपनी समता न छोड़ें। जो कार्य आप करते हैं आज आपका मन नहीं है परंतु कोई अन्य आपसे यह कार्य करवाना चाहते हैं तो चिपकाव न रखें, चिपकाव को छोड़ने से ही मिलेगी समाधि।